फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में महिलाएं बात नहीं करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं योनि में होने वाले दाने के बारे में, जिनमें आपको जलन या खुजली होती है। तो ये रैसेस कह लीजिए, आप दाने कह लीजिए, ये क्यों हो जाते हैं, इनके होने के क्या कारण है, और ये होने पर आपको क्या है जो ध्यान देना चाहिए ताकि इनसे आपको रिलीफ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं महिलाओं की इस प्रॉब्लम के बारे में और इससे वो कैसे बच सकती हैं, कैसे इससे रिलीफ पा सकती हैं। फ्रेंड्स, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपने प्राइवेट पार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी जरूरी होता है। ऐसे में महिलाएं कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और कई सारी ऐसे काम करती हैं जिनकी वजह से उनको जिन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो काम कर रही होती हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगती है। इन्हीं में से होता है एक वजाइना में रैसेस पड़ना या फिर आपकी योनि में दाने होना। तो ये बहुत सारी महिलाओं को होता है, बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि होने के कारण क्या होते हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इस तरह के दाने या रैसेस हो जाए तो उन्हें चलने फिरने, उठने बैठने सभी चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और ऐसे में उनको अनकंफर्ट होगा और साथ ही साथ प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम भी ऐसी होती है जिसे वो किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है पता नहीं क्या हुआ है, किस वजह से मुझे किस तरह का कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सब चलता है तो आप जान लीजिए कि ये सब होता क्यों है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इनके रीजंस की बात करें तो रीज़न भी बहुत ही कॉमन होते हैं। ये कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल हाइजीन की वजह से, किसी प्रोडक्ट की वजह से, या फिर एसटीडी डिसीज़ की वजह से, या फिर किसी तरह के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये सिम्टम पर डिपेंड करता है कि आपको ये रैसेस हुए हैं, कितने दिन से हुए हैं, कितने हैं और आपको कितने तकलीफ दे होते हैं। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो ये जो भी रैसेस या दाने होते हैं वो आपके वजाइना के ऊपरी हिस्से में होते हैं, ये अंदर की तरफ नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें जो होता है रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इनमें खुजली भी आपको हो सकती है, और जब आप इनको खुजली करते हैं तो बहुत तेज जलन भी होती है और कई बार इनमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये सभी जो दाने या रैसेस होते हैं वो अलग अलग कारणों से होते हैं, इसलिए इनके सिम्टम भी मिलते जुलते हो सकते हैं और कई बार इनके जो कारण है वही इनके ट्रीटमेंट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि योनि में रैसेस होने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ के हिस्से में नमी आना। तो नमी या मॉइस्चर जो होता है वो बहुत बड़ा रीज़न होता है रैसेस का। ये रैसेस तो स्किन पे कहीं भी पड़ सकते हैं, जैसे कि आपके अगर किसी भी जगह पर स्किन है जो बहुत लंबे समय तक गीली रहती है या नमी उस जगह पर रहती है, तो आपने देखे होंगे स्किन जो है सिकुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, या फिर रैसेस बन जाते हैं। यह कई बार पसीने की वजह से भी हो सकते हैं या किसी पानी की वजह से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के रैसेस जो है बहुत नॉर्मल होते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, योनि की बात करें, तो यहाँ रैसेस बनने का कारण क्या है? यहाँ रैसेस बनने का कारण है जब आप बाथरूम जाते हैं या यूरिन पास करके आते हैं तो सादा पानी से आप अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट भी है। लेकिन मोस्टली महिलाएं क्या करती हैं कि वॉश करने के बाद उसको ड्राई नहीं करती हैं। ड्राई नहीं करने की वजह से उस जगह पर बहुत टाइम तक नमी रहती है, क्योंकि आपके जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, और ये एक ऐसा हिस्सा होता है आपकी बॉडी का जहाँ पर ना तो हवा जाती है ना ही धूप आती है, जिसके कारण ज़्यादा लंबे समय तक आपकी स्किन गीलेपन के टच में रहती है, जिसके कारण से यह रैसेस हो जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज सिंपल सा है, आप इसके लिए अलग से एक रूमाल बना सकते हैं कॉटन का, या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप जाते हैं, वॉश करते हैं, इसका यूज़ कीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दूसरे कारण पर हम आते हैं, तो ये दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होते हैं हमारे इंटीमेट वॉश या कुछ ऐसे सेंटेड प्रोडक्ट या साबुन या शैम्पू, जिसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम होती है। इन जो सेंटेड प्रोडक्ट होते हैं इनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं और ये आपके जो विजाइना में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि मैंने कहा नेचुरली प्रोसेस होती है, पहले भी बताया था कि ऑटोमेटिक ही ये अपने आप को वॉश कर लेती है, क्लीन कर लेती है। तो हमारे विजाइना में
कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, और जब इन गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होती है तो बैड बैक्टीरिया वहाँ अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से आपको इस तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो नेचुरली आपकी वजाइना क्लीन करते हैं, वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, और एक तरह का डिस्चार्ज या हल्का सा चिपचिपा पानी निकालते रहते हैं, जिसमें कारण से दूसरे किसी तरह के इन्फेक्शन आपको ना हो। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोडक्ट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं तो गुड बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण से बैड बैक्टीरिया वहाँ अटैक करते हैं या उनकी संख्या बढ़ जाती है, और आपको वहाँ पर खुजली, जलन या रैसेस होने लगते हैं। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें, थर्ड होता है कॉन्टैक्ट डर्माइटिस। तो ये 50% महिलाओं में देखा जाता है, युवा या वयस्क महिलाएं उनमें देखा जाता है, और बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। इसका नाम सुन के आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है और किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी तरह की एलर्जी की वजह से आपको होता है, जिसके कारण से आपको यहाँ खुजली, रेडनेस या जलन हो सकती है, या रैसेस पड़ सकते हैं, या दाने आ सकते हैं। तो इनमें कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपका पैड है, पैड में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके संपर्क में आने पे इस तरह के दाने आपको हो सकते हैं, या फिर टैम्पोन है, या फिर इंटीमेट वॉश है, या फिर आपको कुछ ही विशेष चीज़ से एलर्जी है वो उसके कॉन्टेक्ट में आप आ जाते हैं, या फिर कॉन्डोम है। इनमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके कारण से किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो आपको वहाँ पर डर्माइटिस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है, वो होता है सोराइसिस। सोराइसिस एक स्किन प्रॉब्लम होती है जो कि स्किन में कहीं भी हो सकती है, जिसमें कि आपको पपड़ीदार, खुजली, दाने पड़ते हैं, और जो सोराइसिस जिन महिलाओं को होती है उनके प्राइवेट पार्ट में भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका तो ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये प्राइवेट पार्ट में होती है तो आपके अंदरूनी हिस्से में ये नहीं जाती है, किसी तरह का अंदरूनी तौर पर इन्फेक्शन पैदा नहीं करती है, ऊपरी स्किन पर आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसलिए इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपको जरूर लेना चाहिए। इसके बाद आती है नेक्स्ट रीजन होता है जिसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम होती है, वो होती है एसटीडी डिसीजेज, यानी ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जिसमें कि जो है वायरस के संपर्क में आने पर जो होते हैं वायरस आपके नर्व्स में बैठ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। जैसे कि हार्पिस वायरस के बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें भी आपको बड़े बड़े दाने से हो जाते हैं और खूब जलन या खुजली होने लगती है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजन है कॉमन और कुछ गंभीर कारण है जिनके कारण से आपको ये हार्ट डिसीजेस होती है, या इन्फेक्शन होते हैं, या रैसेस पड़ते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में। तो कुछ तो बहुत ही कॉमन है जिनको आप खुद ही ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ दो हैं जिनके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे इन सब करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, या उनमें किसी तरह की बदबू आ रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बिना देरी किए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे ट्रीटमेंट करें। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।